बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से। अल्हम्दुलिल्लाह, एक नए दिन का आगाज़ हो चुका है। वही घर की साफ़ सफाई में लगी हुई थी मैं। काम से फारिग होते होते मुझे बज गए थे दिन के 4। बस यहाँ मैं जो ना आपको टाइम दिखा रही थी, 4 बज चुके थे और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। तो बस कल की रोटी थी वही गर्म कर रही थी। दिन में बनाए थे आलू तो थोड़े से, वो थे साथ में चटनी थी, और जो है ना कल बनाई थी भुजिया, उसकी वीडियो भी गई है अभी, वो भी आपने देखी होगी जी। अपडेट देख लें आप, क्योंकि अभी लाइट गई थी, जैसी लाइट आई मैंने कहा मैं आपको दिखाती हूँ। धूप बॉयल हो रहा है, आज पकनी थी कड़ी, कड़ी का कमाम चढ़ा दिया है लाइट में। कितनी अल्लाह कैसी लग रही है लाइट में। सेकंड ये दलिया की खिचड़ी बन रही है, दलिया की खिचड़ी पक रही है। उसके साथ साथ यहाँ पे जो है पकौड़ियों के लिए भी बेसन गोल के रख दिया है। इसमें जो है पुदीना, हल्की प्याज, हरी मिर्चें, कुटी हुई मिर्चें, नमक, धनिया, ये सब चीज़ें डली हैं। धनिया वो वाला नहीं होता, साबुत धनिया वो वाला, उसको कूट के डाल है, ठीक है। इस छलनी रख दी है, तो बस अभी कड़ी की तैयारी हो रही है। और इसमें जो है ना मैं पका रही हूँ, दूध जोश करने रखा है, ये मैं बना रही हूँ शीर कोरमा, क्योंकि मेरे ससुर का मीठा खाने का दिल चाह रहा था आज, तो मैंने कहा चलो शीर कोरमा बनाती हूँ। तो ये बस 1 किलो का ही है दूध, मैंने कहा चलो मैं शीर कोरमा बना देती हूँ। बस जैसे ये बॉयल होके तैयार होके हटेगा फिर मैं पकौड़ियों का करती हूँ। मोहम्मद अरहम यहाँ बैठे हुए हैं, एक गिलास के अंदर गंदगी कर रहे हैं ये। अभी बताती हूँ मैं, ये बस इनको कुछ मिल जाएगी, ये देखो बिल्कुल भी मैंने नहीं दिया इनको ये गंदगी करने के लिए, मुझे पता है ये गंदी हरकत है। और मैं भी इनसे लेती हूँ, इनको अच्छी तरह गर्म पानी से वॉश करके रखूंगी, रनाया के पास जगह नहीं है पढ़ने के लिए, हमारे घर में जगह कम हो गई। मैंने डालती हूँ फ्राई करने के लिए। अच्छा मैंने इसमें जो है ना दही भी डाल दी है, ये घर का दही है हमारा जो है ना, हम घर में ही जमाते हैं, बाजार का हमारे यहाँ कभी भी नहीं आया दही, घर का ही जमाते हैं। तो ये देखिए घर का है माशाल्लाह से, बहुत अच्छा दही है। तो मैंने इसमें दही भी डाला। ये एक टिप भी है कि दही अगर आप डालो सिर्फ 1 चम्मच, तो इससे क्रिस्पी फ्राई होते हैं पकौड़े, ठीक है। क्योंकि मैं कुछ उतार के रखूँगी भी घर वालों के लिए, मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छे लगते हैं। और बाकी जो जाहिर सी बात है इसमें कड़ी में जाके नरम ही हो जाएंगे। और यहाँ पे देखिए शीर खोदना भी पकड़े, तमाम भी चढ़ा हुआ है। बस मैंने कहा गैस नहीं चली जाए, ये कर लूँ जो काम हो जाए हो जाए। अभी देखिए कोई भी नहीं है, बच्चे जो है ना अपनी दादी के पास है, वो अंदर बन करके नमाज़ पढ़ रही है। यही होता है कि जो है बच्चों जो है यहाँ से चले जाए ना, काम आसान हो जाता है। मैंने कहा मैं फटाफट काम निपटाती हूँ कि इससे पहले वो निकल कर। पकौड़े मैंने उतार लिया है, जिसका जो है ऑयल निकाल रही हूँ, अभी तो ये फर्स्ट ही है, अभी और ज़्यादा भी करने हैं। और मैंने पहले भी वीडियो में मैंने बताया था कि मुझे कड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन हर किसी के हाथ की मैं नहीं खाती। मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी अपनी अम्मी के हाथ की लगती है। तो जो है इस वीडियो के ज़रिए मेरी अम्मी देख रही होंगी, जाहिर सी बात है, तो अम्मी को मैं कहती हूँ अम्मी जब भी मैं कहा करूँ फ़ौरन मुझे बना के दे दिया करें आप, क्योंकि जो है ना बड़ी मेहनत लगती है इसमें। कवाम तो चढ़ जाता है, चलो वो पकता रहता है, फिर ये होता है फुल्की अलग से करो, फिर बघार भी करो, फिर चावल अलग से बॉयल करो, टाइम लगता है इसमें भी। तो क्या मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, और जी अपनी अम्मी के हाथ की मुझे बहुत पसंद है। इसमें निकाल दिया मैंने, देखिए बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो रही है। अच्छा मेरे पास जो है ना कमेंट भी आए थे पिछले वीडियो पे आए थे कि जो है ना आप रोज़ाना का ये है आपका कि आप कुछ ना कुछ नया बनाती हैं, लाइक रोज़मर्रा के खानों से हटके की बात हो रही है कि जैसे आज मैंने शीर कोरमा बनाया है, उससे पहले वीडियो में आपको किसी में बिस्किट मिले होंगे, किसी में केक मिला होगा, किसी में कुछ मिला होगा, कभी मैंने गुलाब जामुन भी बनाए थे। तो जी मेरा जो है ना, एक तो मुझे शौक़ है नई से नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट करने का, दूसरा ये कि अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, टेस्ट डेवलप होता है बच्चों का। और हम तो खैर छोटे हैं, लेकिन अनाया जो है ना, अनाया देख कर कहती है मम्मा मुझे ये खाना है ये खाना है। तो अब शाम के टाइम उठते हैं बच्चे सो के, तो मैं कभी बर्गर बना के दे देती हूँ उन्हें, कभी पॉपकॉर्न करके दे दी, कभी कुछ करके दे दिया। तो बच्चों के लिए ना करना पड़ता है, और माशाल्लाह फैमिली है, फैमिली मेम्बर्स भी पसंद करते हैं नई सी नई चीज़ें हों, छोटा नए से नई चीज़ें हो तो फैमिली मेम्बर्स भी पसंद करते हैं। तो और मुझे शौक भी है नई नई चीज़ें ट्राई करने का, तो मैं कुछ करती रहती हूँ कुछ ना कुछ। शीर कोरमा देखें जी, हमारा रेडी हो चुका है। अब देखने वाले कहेंगे भाई इतना सा शीर कोरमा बनाने की क्या ज़रूरत थी। अब भाई बात इतनी सी है कि दूध घर में थोड़ा सा ही था, इतना था कि चलो मेरे ससुर का दिल चाह रहा था, तो मैंने कहा मैं बना देती हूँ उनके लिए, तो वो खा ही सकते हैं, बाकी बच्चे ले लेंगे। और जो है हमारी कड़ी पक रही है चूल्हा, और हमारी बस ये रह गई है फुलकियाँ, क्योंकि मैं बीच बीच में भाग भाग के जाके बच्चों को देख रही हूँ, अंदर से रोने धोने की आवाज़ें आ रही है, इतनी हो गई है ये फुलकियाँ।
तो ये बात बीच बीच में मैं छोड़ छोड़ के, देखिए चूल्हा भी हल्का सा रहा है मैंने, बिल्कुल हल्का सा। तो ये हमारी तो ये हो गई, ये पक पक के खुशक ही हो गया। और तो खैर ये सब मैंने काट के पहले से रखे हुए थे, इसमें छुआरा है, पिस्ते, बादाम, खोपरा, ये सब काट के मैंने सुबह ही रख दिए थे। चले आप ये फुलकियाँ जल्दी से पूरी करती हूँ, क्योंकि अंदर से बच्चों की आवाज़ आ रही है होने की। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा शीर खुरमा रेडी हो चुका है, और ये मुझे थोड़ा लग रहा था 1 किलो का, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से ये भी दो डिशेस में आ गया और आराम से सब ने खाया। बहुत मज़े का बना था, सबको घर में बहुत पसंद आया। तो अच्छा लगता है अगर आप कोई चीज़ बनाए वो घर में सबको पसंद आ जाए, तो आपकी हौसला अफज़ाई भी होती है और जो है ना दिल भी खुश हो जाता है। तो खैर यहाँ पर मैंने चावल भी भिगो दिए थे, कबाब हमारा पक रहा था, फुल्कियाँ भी हमारी बहुत अच्छी बनी थी, पकौड़े बहुत अच्छे बने थे क्योंकि ये खाए भी थे घर में, जैसे कि मैंने बताया था पहले। इनको डिश में निकाल लिया था, और जो है ये ज़ाफ़रानी शीर खुरमा है, इसके कलर से भी आपको लग रहा होगा, तो मैंने ऊपर से भी थोड़ी सी ज़ाफ़रान डाल दी है, आपको नजर आ रहा है। और मैं उस पर अब डाल रही हूँ थोड़े से गार्निशिंग के लिए। वैसे इसके अंदर अच्छा खासा मेवा है, बादाम, पिस्ते, तो फिर भी मैंने कहा चलो थोड़ा सा ऊपर से अच्छा लगेगा। अल्लाह का शुक्र है जी, हमारा जो है मज़ेदार सा डिनर रेडी हो चुका है, कड़ी चावल, और ये देखें इसमें स्टीम आ गई, लेकिन बहुत मज़े के थे। तो बस इसी के साथ ही आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो का मैं एंड करती हूँ। आप लोग वीडियो देख लेते हैं, लाइक नहीं करते, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दिएगा, कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मुझे और मेरी फैमिली को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।